H3N2 वायरस लगातार इसका प्रकोप बढ़ता ही चला जा रहा है। अभी हाल में कुछ लोगों की मौत भी हुई है और अब एक और नई स्टडी के हिसाब से देखा जाए तो गर्भवती महिलाओं को ये काफ़ी शिकार बना रहा है और उनके लिए जानलेवा भी हो सकता है। चूँकि प्रेग्नेंट वुमेन की इम्यूनिटी थोड़ी सी लो हो जाती है, उनको होने का खतरा बढ़ता ही चला जा रहा है, उसकी वजह से मिसकैरेज भी हो सकता है और ये आगे चल के न्यूमोनिया हो जाता है जो कि काफ़ी जानलेवा है, यानी कि जान भी जा सकती है। तो प्रेग्नेंट वुमेन को इसका ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। हमने आपको पहले भी बताया है कि बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं जो कि प्रेग्नेंट है उन पर ये ज़्यादा असर दिखा रहा है। तो अगर आप भी प्रेग्नेंट है या आपके घर में या फिर आसपास कोई प्रेग्नेंट है और कुछ ऐसे लक्षण जो दिखाई दे रहे हैं जैसे भूख न लगना, खांसी जुकाम का बढ़ता चला जाना, सोर थ्रोट होना और बार बार बुखार हो जाना, बुखार का कम ना होना, अगर बदन में दर्द हो रहा है तो कुछ ऐसे लक्षण हैं, आपको फ्लू हो सकता है, इन्फ्लुएंजा वायरस हो सकता है, आपको इसमें जल्दी से डॉक्टर के पास जाना है क्योंकि अगर समय पर डॉक्टर के पास चल गए तो आपकी भी जान बचेगी, आपके होने वाले बच्चे की भी जान बचेगी और न्यूमोनिया से भी बचाव हो सकेगा। डॉक्टरों की सलाह है कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको फ्लू का इंजेक्शन ले लेना चाहिए। अगर किसी को सर्दी जुकाम है उसके पास बिल्कुल ना जाएं। अगर आपको बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है तो मास्क पहन के बाहर निकलें, जब खाना खाएं तो हाथ धोकर ही खाना खाएं। और अगर आपको ज़रा सा भी शक है कि आपको फ्लू हो सकता है कि डॉक्टर के पास तुरंत जाएं। अगर आपने इन बातों का ध्यान रखा है तो आप स्वस्थ भी रहेंगी और सुरक्षित भी।